नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। एक कहावत बहुत प्रचलित है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अनेकों बार इस कहावत को दिग्गज नेताओं से लेकर छोटे बड़े नेताओं ने चरितार्थ भी किया है। इसमें अधिकांश नेतागण अपने स्वार्थ साधने के लिए दल बदल करते हैं। इसी तरह का मामला फिलहाल आसनसोल में देखा जा रहा है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री से आसनसोल के सांसद और आसनसोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा का एक बड़ा चेहरा बाबुल सुप्रियो बनकर उभरे थे, किंतु आज बाबुल सुप्रियो के भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होने से भाजपा को आसनसोल समेत पूरे बंगाल में बड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि बाबुल सुप्रियो दो बार से आसनसोल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। उनके रहने से भाजपा समर्थकों में काफ़ी जोश भी दिखता था, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए शीर्ष भाजपा नेता ने बाबुल सुप्रियो से मंत्री पद छीन लिया था, जिसके फौरन बाद ही बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समझाने के पश्चात वे शांत हो गए थे, किंतु लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को त्याग ही दिया। इस संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि जहां बाबुल सुप्रियो को तृणमूल में शामिल होने से टीएमसी समर्थकों में खुशी है और खुलकर सब स्वागत भी कर रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थकों में खुशी या नाराजगी दोनों देखी जा रही है। न्यामतपुर के सेंट्रल भाजपा कार्यालय में के सामने भाजपा समर्थकों ने बाबुल सुप्रियो के तस्वीर पर लाठी डंडे बरसाएं, चप्पल जूते बरसाएं, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। बधाई इस बात की कि उनका कहना था कि भाजपा से एक गद्दार कम हो गया है। वहीं राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने बाबुल सुप्रियो का स्वागत किया है। देखो, देरी से हलो बाबुल सुप्रियो बुझेछे जे तृणमूल कांग्रेसी होच्छे मानुषेर दल, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় होच्छे देशेर नेत्री। তিনি এসেছেন আমাদের দলে, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার হাতে জাতীয় আমাদের দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন। তিনি দলেও স্বাগতম এবং আসানসোলেও স্বাগতম। देखिए, बाबुल सुप्रियो का टीएमसी ज्वाइन करना इस बात को साबित करता है कि बंगाल के जितना भी धर्म जाति के लोग, जिस तरह 2021 में बीजेपी का ये फंडा जो था, जो बंगाल में ईडी और सीबीआई को लगाकर ये मैंने जो दखल करने के राजनीति किया था 21 में, उस वक्त बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, लेकिन बाबुल सुप्रियो को इलेक्शन का जीतने के बाद जब दीदी पर बंगाल के लोगों ने एतमाद किया, तो इलेक्शन जीतने के बाद बाबुल सुप्रियो को समझ पाया कि हमें बीजेपी मरा कि हमको गलत महसूस हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उनका मिजाज में यह बात साबित होने लगा कि बंगाल को अगर कोई चला सकता है, हिंदुस्तान को आने वाले दिनों में कोई चला सकता है, तो उसका नाम है মমতা ব্যানার্জী। हमारे नेत्री মমতা ব্যানার্জী की यह जीत है कि आज उनको उनकी अच्छाई को देखकर आज बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया। মমতা ব্যানার্জী जिंदाबाद। आगे और भी लोग जाएंगे क्या? बहुत सारे लाइन लगाए हुए हैं, 0-0 हो जाएगा। जिस तरह बंगाल में 2021 के इलेक्शन में CPM-0, Congress-0, अब शुरुआत इनका हो चुका है। ये उल्टा गांधी पश्चिम बंगाल से जो निकलता है सूरज और डूबता है वहाँ, ये स्टार्ट हो चुका है। कहीं इसमें सूरज जो यहाँ निकला है, अब डूबने का कार्यक्रम उधर शुरू हो जाएगा। देख लीजिएगा आने वाला दिनों में नहीं बल्कि 21-22 जो होने वाला यूपी में इलेक्शन है, ये साबित कर देगा बंगाल के सूरजा जो निकला है वो वहाँ पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी को नष्ट कर देगा, जिसका नाम है মমতা ব্যানার্জী। মমতা ব্যানার্জী जिंदाबाद, মমতা ব্যানার্জী जिंदाबाद, মমতা ব্যানার্জী जिंदाबाद, মা বাদুপাত जिंदाबाद। বাবুল সুপ্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন মন্ত্রী, তিনি আজ টিএমসিতে জয়েন করেছেন। এ সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ইতিহাস 2014 সালের লোকসভা নির্বাচন আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে, সেই নির্বাচনের সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন এবং নির্বাচনের সেই পোলো গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে রণনীতি বলেছিলেন, মুঝে বাবুল চাই। এই আসানসোলের জনসাধারণ আপনারা সত্যি প্রধানমন্ত্রীর মান সম্মান ইজ্জত
আপনারা দেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিল, দীর্ঘ 7 বছর কাল মন্ত্রিত্ব ছিল, তারপর তার কোনো কিছু ফর্মের জন্য ফর্মের মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও তার কোনো ঝামটা দিয়ে থাকতে পারে, তদন্ত হয়তো কোনো দুর্নীতি পেরিয়ে থাকতেও পারে, সেই জন্য তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বার করে দেওয়া হয়। এবং মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবুল সুপ্রিয় এখন আজকে তিনি টিএমসিতে জয়েন করেছেন। এই ধরনের বেমান বিশ্বাসঘাতক জারজ সন্তান ভারতবর্ষে যেন আরো কোনোদিন মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ না করে এইটুকু আমরা কামনা করি। দেখুন সব ঠিক আছে, আমরা সর্বপ্রথম আগে পার্টি নির্দেশ মানব, কিন্তু যদি আমার ব্যক্তিগত রায় যদি জানা হয় তো আমি বলবো যার হাত ধরে বাবুল সুপ্রিয় এসেছিল, মাননীয় ছিল নির্মল কর্মকার, নির্মল কর্মকারের নেতৃত্বে উনি আজ এমপি হয়েছিলেন, আজ আসানসোলের বুকে নয় গোটা পশ্চিমবাংলার বুকে প্রথম এমপি হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, কিন্তু হাত ধরে নির্মল কর্মকার। আমি সর্বসময় বলবো নিশ্চয়ই ফার্স্ট চয়েস নির্মল কর্মকার। जैसा कि आप भाजपा कर्मी हैं तो जानते होंगे कि जो आसनसोल के एमपी थे बाबू सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इस विषय में क्या कहेंगे? बाबू सुप्रियो के बारे में, बाबू सुप्रियो तो हमारे पार्टी का कोई स्थान बोल के कुछ है नहीं, बाबू सुप्रियो को कोई भी वोटर या कर्मी मेरा एक भी बाबू सुप्रियो को चेहरा देख के वोट नहीं दिया, ये हमारे मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी देशभक्त का हिसाब से ये बाबू सुप्रियो को वोट मिला, ये बाबू सुप्रियो का अपना एक भी वोट नहीं है। अब बाबू सुप्रियो का हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी बूथ में हमारे कोई भी कर्मी से चैलेंज करके वोट जीत जाए, वो बाबू सुप्रियो को बात कर रहे हैं, वो मंत्री था ना हमारे मोदी जी उसको मंत्री बनाए थे, वो जीत जाए एक बूथ में, बूथ का बात करता हूँ पूरे आसनसोल सब डिवीजन में, अगर जीतने का औकात है किसी भी बूथ में चैलेंज कर दे। मेरा नाम विजय साहू, मैं भारतीय जनता पार्टी 1990 से जाए, কারণ আমাদের রাজনীতিতে কিছু প্রত্যেকেরই একটা সমর্থিত বিজেপি গ্রুপ থাকে, এমনও হতে পারে বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে যারা উঠা বসা করেন তারা এক হয়তো লাইনে দাঁড়িয়েছিল যে ও আগের লোক গেলেই একটা বাংলায় কথা আছে আগলাংলা যেখানে যায় পেছলাংলা সেখানে যায়, তা ও যদি তৃণমূলে যোগদান করে এখন তো সবাই ধান্দাবাজ, ওর পেছপিছু তারাও কিছু ঢুকবে যদি কিছু ধান্দা পাওয়া যায়, এটাতে মানে এইটাতে কোনো আমরা সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিচ্ছি না, সম্ভাবনা আছে। বাবু সুপ্রিয় দল চেঞ্জ করাতে দলের কতটা ক্ষতি হবে? দলের ক্ষতি খুব একটা হবে না, কারণ আসানসোল এই অঞ্চলে এবং আমাদের আমি যেহেতু কুলটিবাসী, কুলটি অঞ্চল থেকে যেখান থেকে 40,000 ভোটে লিড পেয়েছিল, সেই 5 বছরের মধ্যে 40,000 লিড পাওয়া অঞ্চলেতে আমি কোনো ভোটারকে বলছি না, গোটা নাগরিকদের, নাগরিকদের যখন উনি কোনো মন্ত্রী বা এমপি যখন জিতে যায় তখন সে দলের থাকে না, সে তখন হয় মানুষের, নাগরিকদের, সেই নাগরিকদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য বাবুল সুপ্রিয় করেছে, আজকে পার্টির কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। বাবুল সুপ্রিয়র মতন অনেক নেতা আছে, বাবুল সুপ্রিয় যে ধান্দাবাজ ছিলেন ওনার যখন গানের জগৎ থেকে কোনো ওনার খ্যাতি কমে যাচ্ছিল ঠিক এই দলে ঢুকে গিয়ে মন্ত্রিত্বটা নিলেন, মন্ত্রিত্ব চলে গেলে যদি আমাকে দল ছাড়তে হয় তা সেই ধান্দাবাজ যারা কি